सारा कुछ गलत किया। मैं कहना मैं अच्छ भाजपा का विरोध करता, मैं की होगा वो तो मेरे जे आने वाले जो दरगाह का जो जो प्रोग्राम ने जोड़े इन्होंने लगवाने ने उस चीज़ का मेरा विरोध कर सकते ओके चलो नहीं होंगे मैं रोटी का खाऊंगा जे मेरी किसानी बची होगी मैं म्यूजिक इंडस्ट्री का बनना तुम चंगा गाँव लेके चले जाओ तुम्हें कोई कंपनी का बजट नहीं देंगी मैं तो लिखा लूँगा एक भी कंपनी तुम्हें बजट नहीं देंगी तुम एक पूरा कोई लच्चर गाना करके ले जाओ चकमा गाना करके ले जाओ तुम्हें कहेंगे जी 20 लाख का बजट चुको 10 लाख का बजट चुको 5 लाख का जिन्ना भी होता बजट नाल दिन दे देते हैं ये थोड़ी है कि हम एक बंदा उठ के कह रहा भी इन्होंने पुराने तरीके कुछ नहीं किया यह मतलब उस बंद नॉलेज ही नहीं है इतिहास की नॉलेज ही नहीं है इन्हें जिहड़ियां यूनियन ने इन्होंने की काम किया हुण तक इन्होंने किवें जित्तां हासिल कीतियां जो सरकार जो वधीके करती सी उदों कौन करता सीगा ये यूनियन ने करदियां सी ना ते अज तुसीं इक तुसीं उठदे हो ते उठण साहब तुसीं गल कहिंदे हो कि इन्हां नूं की पता इन्हां ने इन्हां दा इस संघर्ष नाल कुछ नहीं निकलना हुण तुसीं देखो जियो फ्री कर लिया जियो फ्री करके लोगों की आदत पाती कि उन्होंने वीडियो स्क्रॉल करी जाना सारा दिन एक नौजवान का मैं लगता सवेरे उठण तों लैके अद्धा दिन वह इस चीज़ के निकलता जो अद्धा दिन तुहाडा उस चीज़ के निकल गया तुसीं अपने बारे किवें सोच सकते हो एक वैब सीरीज़ है द सैक्रेट गेम उहदे विच इह चीज़ पूरी वधिया तरीके नाल क्लीयर दिखाई गई है कि अज जो अज तो अज टाइम वो 30 साल पहला प्लैनिंग किवें शुरू हुई है असीं नूं समझ नहीं पाते क्योंकि सानूं होर पासे लाया जाता है मैंने लगता कि नौजवानों नूं हजे तक गुमराह किया गया क्योंकि मैं एक टाइम के उत्ते मैं टी वी चैनल के उत्ते कम करने का मौका मिले मैंने पता लग गया कि जिहड़ियां अंदरलियां मीटिंगां किवें होंदियां ने जिदा 2 किले के उत्ते 8 लाख का लोन वो बंदा किवें उतारूगा वो नहीं उतार सकता फिर दूसरी लिमटां पईआं सरकारी लिमटां पईआं ने हर बंदा टेंशन दे विच है हर बंदा अपने आप को डुब्बा महसूस करता किसान ने लगता कि हर पासे इस तरह का एक मैसेज छड़ता कि नौजवान भी आ गए कलाकार भी आ गए हालांकि यदा नपेरा की आख च चढ़ूगा वो पता नहीं पर इन्ना जरूर है कि एक रवायत चंगी शुरू हो गई साई सुल्तान साढ़े नाल ने साई जी समझते हो कि मैसेज तो चलो चंगा शुरू हो गया किसानी का मसला से अगे बेचारे साढ़े बापू हमने बैठे रहेंगे हूँ नौजवान आए अगे पहला तो गायकों की जी एंट्री हुई समझते हो भी ये होनी जरूरी सी चलो लेट होगी पर होगी जी जी बिल्कुल मैं लगता भी जो कल गायक क्यों सारे जिहड़े कलाकार ने जिहड़े भी एक कला दे नाल तालुकात रखते हैं मैं लगता कि उन्हों का फर्ज़ बनता है कि लोगों के तक असली गल पहुँचाई जाए तो मैं लगता भी जिहड़े हुण कलाकार असली गल उम्मीद करते हैं कि कलाकार असली गल लोगों तक पहुँचाउण क्योंकि ये पिछे भी कई चीज़ा कम कर दी हो सकदियां ने तो मैं लगता कि साडा फर्ज़ बनता कलाकारां दा भी असली गल जिहड़ी लोगों तक पहुँचाई जाए जिहड़े हुण जिवें तुसीं देखदे होंगे धरनां ते नौजवान रात नूं भी बैठे ने दिने भी बैठे ने नौजवान का जिक्र वैसे तो आना नहीं चाहिए क्योंकि नौजवान तो खुद जिवें कह दिंदे आ भी जवानी उबाले मारदी हुंदी हर एक थम जांदा पर शायद ये चीज़ों तो परे सीगे समझ नहीं रखी उन्होंने पहला भी ये चीज़ा ने करनी भी असीं वधीए साडे संघर्ष जरूरी ने साडे हक लैणे जरूरी उहदा कारण ये सी कि मैनूं लगदा कि नौजवानां नूं हजे तक गुमराह किया गया क्योंकि मैं एक टाइम के उत्ते मैं टी वी चैनल के उत्ते कम करने का थोड़ा जिहा मौका मिले मैंने पता लग गया कि जिहड़ियां अंदरलियां मीटिंगां किवें होंदियां ने हुण तुसीं सोचो एक बंदा जिहदे कोले 1 किला जमीन आ जां 2 किले जमीन आ उहदे उत्ते 1 किले के उत्ते 4 लाख दी दा लोन मिल जाता है तुहानूं बैंक वाले कुर्सी छड्डदे ने और जिहड़ा लोन आ हर उहदे ते जिन्नी भी जमीन आते मैं लगता भी 90% लोगों के उत्ते एक पर एकड़ के हिसाब से लोन पे ने हर बंदा हुण फसया होया क्योंकि 1 लाख की साल की फसल निकलती है जिहदे विच खर्चे है नहीं खर्चे नहीं पाते सिर्फ ये कि वह सिर्फ कला मुल कढ़ना खर्चे कढ़ना तो बिच कुछ नहीं निकलता वो बंदा जिहड़ा उहदा जिहड़ा लोन आ जिहदा 2 किले के उत्ते 8 लाख का लोन आ वह बंदा किवें उतारूगा वो नहीं उतार सकता फिर दूसरी लिमटां पईआं सरकारी लिमटां पईआं ने हर बंदा टेंशन दे विच है हर बंदा अपने आप को डुब्बा महसूस करता जिहड़े इदां दे गाने आउंदे हुंदे सी जिहड़े चक्कवे गाने आउंदे हुंदे सी उन्हां नूं कुछ टाइम वास्ते सिर्फ एक उन्हां दे अखां दे उत्ते भुलेखा पाया जांदा सी मैनूं लगदा हुण उह भुलेखा उतर चुक्किआ हुण उहनूं क्लीयर हो चुक्किआ कि इन्ना क असीं साह लैंदे सीगे हुण वी नहीं असीं लै सकदे मतलब इह सीगा कि वी आम तौर ते असीं देखदे हां जिवें हुण सरकार ने आ सरकार नूं कहा की जा रिहा कहा इह जा रिहा क्योंकि हुण जे देखीए कानूनां नूं कुछ वी गलत नहीं हैगा जी पर किसान कहिंदा मैं लंबे टाइम च मर जाऊं भविख दी चिंता होण लग गई कि ब्यौतबंदियां पहलां शुरू हो जांदियां नेगियां शायद उहनां दे नुकसान दा फायदे दा आपां नूं पहलां पता नहीं हुंदा इस बार पहलां पता लग गया लगदा एक वैब सीरीज़ है द सैक्रेट गेम उहदे विच इह चीज़ पूरी वधिया तरीके नाल क्लीयर दिखाई गई है कि अज जो अज तो अज टाइम वो 30 साल पहला प्लैनिंग किवें शुरू हुई है असीं उहनूं समझ नहीं पाते क्योंकि सानूं होर पासे लाया जाता है हुण तुसीं देखो जियो फ्री कर लिया जियो फ्री करके लोगों की आदत पाती कि उन्होंने वीडियो स्क्रॉल करी जाना सारा दिन एक नौजवान का मैं लगता सवेरे उठण तो लैके अद्धा दिन वह इस चीज़ के निकलता जो अद्धा दिन तुहाडा उस चीज़ के निकल गया तुम अपने बारे किवें सोच सकते हो तुम समाज बारे किवें सोच सकते हो अपने घर बारे किवें सोच सकते हो यह जाण बुझ के गलत आदत पाइया जांदियां ने लोगों को उन्होंने जिवें फीम ते लाया जाता
उस तो बाद मुल वटिया जाता है। ये हूँ यही चीज़ा खेती जी किसानी जो बिल पास किए हैं वो हो गई, क्योंकि पंजाब को ही कल देखो मैं वैसे एक नॉर्मल गल है कि सब तो वो किसी की लड़ है पानी की और अनाज की, फिर सूँ जी सेहत सहूलत मतलब दवाइया दी कपड़ा लीड़ा दी। हूँ तुम पानी ला लो, पानी वाला जो बंदा है वो कमाई कर रहा, एक चंगा घराना बन गया जो बंदा पानी बेचता, और जी फ्री कुदरत ने सू फ्री दी चीज़ है। एक बंदा जोड़ा कपड़े का जोड़ा मैडिकल दवाइया वाला जो बंदा वो भी जी फार्म बहुत बड़ी बड़ी बन गई, जोड़े बंदे कपड़े पैदा करते हैं वो भी बड़े बड़े घराने बन गए। किसान जोड़ा सब जो पहले नंबर पर जिम्मे हवा पानी तो फिर अनाज, जो किसान आ किसान क्यों थले जा रहा, क्यों किसान मर रहा, वो पिछले की ताकत काम कर रही है। मैं लगता भी यारिया चीज़ा जिदा हम पानी इन्होंने आपके कब्जे थले कर लिया, इन्होंने जोड़ा कपड़ा जोड़ा अपने थले जी सेहत सहूलत मेडिकल इन्होंने ये अपने कब्जे थले कर लिया। हूँ इन्होंने जी बचती खेती सी जिद जो सब तो बड़ा मुनाफा होना सी इन्होंने हूँ आपके कब्जे थले कर लिया। देखो जी कह दें भी इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत के सारिया चीज़ा आ जाएं जी, जो कोई बंदा अपराध करता वो भी इंसानी फितरत है, वो ठीक है, वो फितरत माड़ी है। हूँ गायक आ गए इस पूरे संघर्ष के गायकों को लैके भी हूँ गल् यह होने लग गई भी कोई दूजे पास मूँह करी फिर कोई दूजे पास धरना लाई रखता, लगता भी यीज़ ब्यौतबंदियों जो हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्यौतबंदी तो बिना कोई कुछ भी करते हो बेशक चंगे नहीं करो, वो कोई कई बार नुकसान कर जाती है अपन जी। उस है कि मैं दो जगह पर अज भी एग्जाम्पल दिखाई ने इस चीज़ दियाँ कि किसी टाइम के उत्ते जो युद्ध होंगे जोड़े सीधे युद्ध होंगे सू मैं लगता उस इतिहास तो बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक तो यह कि जो युद्ध होंगे सके कबीलियां जो असं होंगे सके तो जो कोई बड़ा धाड़वी आना हों कबीले उत्थे इकट्ठे हो जाते होंगे सके उस धाड़वी खिलाफ भी साडा मेन मकसद असी बाद लड़ लगे चाहे साढ़े मतभेद जिदा भी होना पर साडा जिहड़ा मेन मकसद है उस जिहड़ा धाड़वी आ रहा उन्हूं रोकना साडा मेन मकसद है। मैनूं लगता कि जिहड़ा साडा अज जिहड़ा ने कानून पास किया वड्डा धाड़वी है, असी जिन्नियां भी जथेबंदियां जिन्हें भी थिएटर आर्टिस्टां जिन्हें भी असी ये बंदे आ सारे मैनूं लगता भी इन्हां इन्हां दा यह थोड़ी है कि हुण एक बंदा उठ के कह रहा भी इन्होंने पुराने तरीके नाल कुछ नहीं किया, यदा मतलब उस बंदे नूं नॉलेज ही नहीं है, इतिहास की नॉलेज ही नहीं है, इन्हां जिहड़ियां यूनियन ने इन्हां ने की काम किया हुण तक, इन्होंने किवें जित्तां हासिल कीतियां, जिहड़ी सरकार जदों वधीकियां करदी सी उदों कौन करदा सीगा, इह यूनियन ने करदियां सी ना, ते अज तुसीं इक तुसीं उठदे हो ते उठण साहब तुसीं गल कह दिंदे हो कि इन्हां नूं की पता इन्हां दा इह संघर्ष नाल कुछ नहीं निकलना, फिर तुसीं कहिड़ा संघर्ष कर रहे हो, वो भी तो सड़कां जाम करते हैं, तुम भी सड़कां जाम कर रहे हो, वो भी धरने लाते तुम भी धरने ला रहे हो, तुम नवा की कर रहे हो। तो मैं लगता भी वो पिछे समझने की लड़ बहुत जरूरी है भी वे पिछे ताकत की काम कर रही ने, थोड़ू गुमराह किया जा रहा जिमें कि हूँ तक सिंगर देखो तुम मार्केट के मैं तुम दसदा मैं म्यूजिक इंडस्ट्री का बंदा तुम चंगा गाँव लेके चले जाओ थोड़ा कोई कंपनी का बजट नहीं देती, मैं तो लिखा लो एक भी कंपनी थोड़ा बजट नहीं देती, तुम एक पूरा कोई लचर गाना करके लै जाओ, तुम चकमा गाना करके लै जाओ, थोड़ा कहेंगे जी आ 20 लाख का बजट चुको, आ 10 लाख का बजट चुको, 5 लाख का जिन्ना भी होता बजट नाल दी नाल दे देंगे नहीं, वो क्यों हो रहा सारा कुछ, ये पिछे समझने की बड़ी लड़ है पिछे की हो रहा उन्होंने सारी चीज़ों के पिछे। जे अगर अच्छ सिंगर के मूँह पास हिस्से हो रहे हैं धरने के एक्टर के मूँह पास हिस्से हो रहे हैं या एक्टर ये गल कह रहे हैं जी किसान जे हूँ तक किसानी ने संघर्ष किया उन्होंने तो कुछ किए नहीं हूँ तक उन्होंने पता नहीं वो पिछले कि ताकत बोल रही है, यूँ समझना बहुत जरूरी है। यानी कि तारपिडो करने वास्ते कोशिशें शुरू हो गई फिर ऐ कह दिए। हाँ देखो ये तो होनी होनी है, मैं फेसबुक पर पोस्ट पाई थी और शायद काफ़ी लोगों ने उन्होंने सही भी किया कि भी किसानों संघर्ष शुरू हो चुका है हुण बहुत सारे खतरे होणगे, तुसीं देखना कि सही की है और गलत की है क्योंकि कम ही हुण तक किया जा रहा है। कल असी खड़े सीगे कितें गलबात चल रही तो उदों गल्लां एक्टरां डायरैक्टरां दी होण लग गई जी, उत्थे ये चीज़ भी जिक्र हो गया कहिंदे भी जे कल नूं जिहड़े हुण गायक गाने गा रहे जी, कई गायकां ने तां खर अपनी जदों वधिया चल जांदा बंदा तां फिर आपदियां कंपनियां फ्री कर लांदा जी, जिहड़े दूजे सहारे ने अज भी जी उत्थों पिछों कितों डोर खिंची गई तां अगे वाले किन्ना क टाइम खड़नगे, लगदा इह चीज़ हो। मैं अज ये गल इस मीटिंग दे विच ये गल कही है कि मैं ऐलान करदा मेरा फेसबुक पेज दे उत्ते चाहे 5000 बंदा चाहे 10000 चाहे 5 लाख बंदा मैं अपने फेसबुक के उत्तों अज बिल्कुल देखो अज सानू नंगे चिट्टे होने की लोड़ है, सानू क्लीयर आपदा पक्ष रखने की लोड़ है, साड़ी अज सानू पक्ष रखना पऊगा। मैं अज कहना भी मैं जिहड़ी सरकार आ जिहड़ी सारी चीज़ का विरोध करदा इन्होंने हुण तक गलत किया सारा कुछ गलत किया, मैं कहना मैं अज भाजपा का विरोध करदा मैनू की होगा वध तों वध, मेरे जिहड़े आने वाले जिहड़े दरगाहां दा जिहड़ा जिहड़े प्रोग्राम ने जिहड़े इन्होंने लगवाने ने उस चीज़ का मेरा विरोध कर सकते हैं ओके चलो नहीं होणगे मैं रोटी तो खाऊंगा, जे मेरी किसानी बची होगी मैं कुछ इदा का मैं गाँव रहूँगा जेडे मैंने सुनना उन्होंने सुनना 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 गा मैं इस चीज़ का कोई फर्क भी नहीं पैंदा,
अज मैं बिल्कुल क्लीयर बोल रहा, मैं चाहे जो दूजिया पार्ट मेरा विरोध कर लगे कुछ नहीं, मैं गाला कटना कोई दिक्कत नहीं, पर जो सच है मैं सच कहूँगा और मैं कहना पेगा क्योंकि अज इस जगह के उत्ते आके खड़े हुए हैं असी, साडा माड़ा जिहा पैर तिलके असी खत्म आ, पंजाब तो अद्धा खत्म हो चुके, पंजाब कितने आते, इतने बुढ़े रह गए बेचारे, सरकारी असी सरकारी स्कूलों के बच्चों नहीं पढ़ाते हिंदी, असी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे पढ़ाने उत्थे पहला कहते नहीं भी जो पंजाबी बोली है तो थोड़ा फाइन है, पंजाबी का खत्म है, पंजाब खत्म है, इतने की बन गया, सोचना पैना इस चीज़ पिछे, ये सारिया चीज़ा बहुत गंभीर मसला ने, ये इदा नहीं हो जाएगी, बिल्कुल इदा नहीं होनी है क्योंकि ये वास्ते सोच के विचार करके आपका भी एक मन बना होगा, कोशिशा बहुत सारिया हो पर उही है भी राह इस वास्ते सौखा नहीं है, इसलिए औखा है कि तमाम चीज़ों सोच के चंगे आपके नफे नुकसान सोच के नंगे चिट्टे होकर अगे आना होगा क्योंकि भविख बचा है, पिछले जो कुछ हो चलिया उन्होंने पिछले भुल के ही जाना पो। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के नाम सुमित सिंह जोशी, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़।